दरभंगा में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के दफ्तर में आज निगरानी की टीम ने गुपचुप तरीके से दबिश किया, जहां बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता अजीत कुमार और दफ्तर में कार्यरत महिला लैंडमैन रिंकू कुमारी को 40,000 रुपया नगद घूस की रकम के साथ निगरानी की टीम ने धर दबोचा। निगरानी की टीम जैसे ही दोनों को गिरफ्तार किया, पूरे दफ्तर में हड़कंप मच गया। गिरफ्तार निगरानी की टीम में कुल 13 सदस्य शामिल थे। आपको बताते चले कि मामला समस्तीपुर जिले के अनिल कुमार जो आवेदक हैं, डिलाही गांव में आटा चक्की चलाने के लिए बिजली कनेक्शन की मांग विद्युत विभाग में इन्होंने आवेदन दिया था। वहीं विद्युत कनेक्शन के एवज में 40,000 रुपये की घूस की मांग किया गया था। आवेदक अनिल कुमार ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग में किया, उसी के आलोक में यह कार्रवाई की गई है। वहीं पूरी जानकारी देते हुए निगरानी डीएसपी पवन कुमार ने पत्रकारों को दी जानकारी, आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा, क्या पूरा मामला था, किन की गिरफ्तारी हुई है, आगे क्या कार्रवाई होगी, देखिए एक रिपोर्ट। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। यहाँ दरभंगा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विद्युत कार्यपालक अभियंता श्री अजीत कुमार और उनके साथ लाइनमैन के रूप में वहाँ कार्यरत रिंकू कुमारी के माध्यम से इन्होंने 40,000 रुपये रिश्वत लिया। अजीत कुमार विद्युत कार्यपालक अभियंता दरभंगा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। इसमें परिवादी हैं अनिल कुमार, उनको आटा चक्की का मशीन लगाना था, उसके लिए बिजली कनेक्शन के लगाने के एवज में ये 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। ये अपने कार्यालय के दरभंगा से गिरफ्तार किए गए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम के द्वारा। इस टीम में टोटल 13 सदस्यीय टीम है, जिसमें प्रभारी के रूप में पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार, साथ में है पुलिस उपाधीक्षक समीर चंद्र झा, और चूंकि महिला गिरफ्तारी की गई है तो महिला डीएसपी के रूप में डीएसपी अभिजीत कौर और डीएसपी रीता सिन्हा एवं अन्य सदस्यीय टीम है, जो इसमें साथ में आए हुए हैं इंस्पेक्टर संपर्क से एवं सिपाही संपर्क से। शिकायत कब मिली थी आपको? ये शिकायत किया गया था निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में। ये कहाँ करने वाले जो शिकायत किए थे? शिकायत किए हैं ये खानपुर जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं। कहाँ इनको बैठाना था आटा चक्की? यहीं दिलाही यहीं पर आसपास में वहाँ पर आटा चक्की मशीन बैठाने थे, जिसके लिए वो उनको लाइन की ज़रूरत थी, बिजली कनेक्शन की ज़रूरत थी, और इसके लिए ये यहाँ पर आए थे, तो उस कनेक्शन के एवज में इनसे रिश्वत की मांग की गई थी। अभी भी कुछ कैश बरामद हुआ है क्या? ये रिश्वत की राशि है 40,000 रुपये, जो आपके विद्युत कार्यपालक अभियंता अजीत कुमार के हाथ से बरामद किया गया है टीम के द्वारा।